हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कायनात की दुनिया। तो गाइस, ये लुक देखकर आपको क्या लग रहा है कि मैं अफगानी हूँ? तो गाइस, ये लुक मैंने क्रिएट किया है, बहुत ही खूबसूरत सा लुक है। ये कैसे क्रिएट किया है आप देखोगे इस वीडियो में। ये इसका दुपट्टा है, और गाइस मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ फुल पख्तून अंदाज में कि ड्रेस बहुत खूबसूरत है। और भी कलर्स अवेलेबल थे मगर मैंने यही ड्रेस सिलेक्ट किया था। ये ड्रेस बाय किया था मैंने शहाना कलेक्शन से, मगर गाइस ओनर बहुत बदतमीज थी। मैंने अपनी स्टोरी में डाला उनके बारे में, कराची की ही थी एंड शी वॉज बिहेविंग वेरी ऑडली। मैंने कहा कि जो बैग उन्होंने मुझे दिया उसमें थोड़ा सा वो फ्रेश पीस नहीं है, उन्होंने मेरे साथ बहुत रूडली बिहेव किया। तो फिर मैंने वो रिटर्न भी नहीं किया, बिकॉज वो कह रही थी एक ही दिन के अंदर रिटर्न करो, तो कोई नौकर तो है नहीं कि एक ही दिन में जाके उनको पहुंचाए। सो गाइस, सेलर का कोऑपरेटिव होना बहुत ज्यादा लाजमी होता है। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी जब इसकी शलवार मैं पहनने लगी थी तो उसका पाइचा लिटरली इतना सा था, और ये ड्रेस लार्ज है, ठीक है, तो पाइचा इतना सा होने की वजह से वो जो था वो सलवार थी वो जो इसके ड्रेस के साथ थी वो मैं नहीं वेयर कर पाई, ठीक है, वो मैं नहीं वेयर कर पाई एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये पूरा ड्रेस मुझे 3500 का उन्होंने दिया है, बट आई थिंक आपको बेटर क्वालिटी मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा सर्च करो। मैंने जो मुझे अवेलेबल हुआ अपने ड्रेस और अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से मैंने उधर से मंगा लिया, बट मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, अब मेरे पास हेडगियर भी नहीं था, हेडगियर की जगह भी मैंने ये नेकलेस यूज किया है। अच्छा, तो अब ये फुल लुक कैसे हुआ रेडी, कैसे हुई मैं तैयार, तो आप लोगों को मिलेगा ये मेरे चैनल पे। मेरी पूरी वीडियो वॉच करिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे मैं ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेकअप सिक्स शुरू करेंगे। खुश आमदीद मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मेकअप से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैंने लगा लिया है अपने चेहरे पे प्राइमर। प्राइमर से स्किन के बाद स्किन को ड्राई होने देंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं लूँगी फाउंडेशन, उसके अंदर मिक्स करूँगी थोड़ा सा ये कलर वाला ग्लॉस, इसको मिक्स करूँगी एंड इसको एज अ कलर करेक्टर मैं यूज़ करने वाली हूँ। गाइज, कलर करेक्टर के तौर पे मैं अपनी आईज़ के नीचे, क्योंकि मेरी आईज़ के बहुत ज़्यादा जो डार्क सर्कल्स है ना, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसे इस लुक के लिए अच्छी तरीके से वो मतलब प्रॉपर कवर देंगे, तो फिर इसलिए मैं इस लुक के लिए कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो आपने देखा होगा मैं इतना सब कुछ नहीं करती, लेकिन इस लुक के लिए ख़ास तौर पर मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज़ भाई पठानों की स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। तो इसको मैं करूँगी सबसे पहले तो ब्लेंड अपनी आँखों के नीचे। आँखों के नीचे का ही सबसे ज़्यादा मसला होता है, अब वो जिस वजह से भी होता है। उसके बाद मैं नॉर्मल फाउंडेशन लगा लूँगी अपने फेस पर, जहाँ जहाँ मुझे नीड होगी अच्छी तरीके से अपने फेस को मैं फाउंडेशन लगा लूँगी, नेक पे भी लगा लूँगी, और उसके बाद मैं पाउडर से सेट कर लूँगी। फाउंडेशन लगाने के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर यहाँ मैं लगा रही हूँ अपने फेस पर अच्छी तरीके से, ताकि मेरे फेस को अच्छी तरीके से मतलब मैं कवर कर सकूँ पाउडर से, मैट कर सकूँ। उसके बाद गाइज मैं अपनी आईब्रोज़ बनाऊँगी। आईब्रोज़ वैसे मैं नेचुरल भी लग सकती थी इस लुक के लिए, बट थोड़ा सा तो बनाना पड़ता है ना, क्या करें। तो इसको मैंने ब्राउन लुक ही दिया है अपनी आईब्रोज़ को, ज़्यादा ब्लैक लुक नहीं दिया है, बिकॉज पठान ऑब्वियसली उनके बाल भी ब्राउन होते हैं, उनके बाल मुझे लगता है मोस्टली ब्राउन ही होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज़ मैंने ये इल्यूमिनेटर लिया है, और इल्यूमिनेटर अपने फेस पे मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, क्योंकि मुझे वो नेचुरल ग्लो चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पख्तून अफगानी इन लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो फील होता है, तो फिर मैं भी अपने फेस को थोड़ा सा ग्लो दूंगी इस तरीके से, क्योंकि भाई कराची वाली स्किन है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपनी आईज़ को रेडी करूँगी, तो स्मोकी आईज़ लुक मैं क्रिएट करूँगी। सबसे पहले मैं ये कलर लूँगी, ठीक है,
इसको एज अ बेस मैं अपनी आंखों पे सबसे पहले लगाऊंगी एंड अच्छी तरीके से इसको मैं ब्लेंड करूंगी। और मैं आगे देख रहे हैं आप, आगे नहीं लगाऊंगी मैं इसको, इसी तरीके से इधर ही लगाऊंगी और इसको अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड करूंगी अपनी दोनों आंखों पर, क्योंकि ये दोनों ही आंखों पर मुझे अच्छी वो देगा, मतलब बेस देगा जिसके ऊपर मैं स्मोकी आइस कर सकूं। और खाली ब्लैक ब्लैक तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके इससे पहले ये ज़रूरी होता है करना। पहली दफ़ा मैं ये लुक क्रिएट कर रही हूँ और मुझे बहुत शौक था ये लुक क्रिएट करने का, तो मैंने सोचा कि ये लुक मैं क्रिएट करूँगी। अच्छा गाइज, अब मैं इसके बाद थोड़े से ये डार्क कलर्स लूँगी और ये फ्रंट पे लगाऊँगी। अभी भी मैं ब्लैक पहले नहीं लगाऊँगी, पहले मैं फिर, क्योंकि मुझे इस तकरीबन इस चीज़ से बड़ा खौफ आता है कि मैं डायरेक्ट ब्लैक लगाऊँ और वो अच्छा ना लगे, क्योंकि गाइज सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे आई थिंक मेकअप में आई शेडो ही लगता है। लेंसेज तो छोड़ देना, लेंसेज और मस्कारा तो मैं लगाती ही नहीं हूँ, मुझे एलर्जी है। और दूसरा ये कि लैशेस भी मैं बहुत कम ही लगाती हूँ, तो अब रह गया आई शेडो। आई शेडो भी मुझे बहुत कम ही आता है, बेसिकली आईज़ मेकअप मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा टफ़ पार्ट यही होता है। तो खैर मैं कोशिश फिर भी कर रही हूँ इस लुक के लिए कि अच्छे से अच्छा स्मोकी लुक दूँ। उसके बाद जब मैं अपनी आँखों पर ये अप्लाई कर दूँगी, अगर साइडों में लग रहा है कोई बात नहीं, मैं एंड में उसको ठीक कर दूँगी। फ़िलहाल मैं अपने लुक को क्रिएट करने के लिए इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करूँगी। फिर मैं ये ब्लैक कलर लूँगी, मेरे पास ब्लैक कलर कोई था ही नहीं, तो मैंने इस अपनी ब्रो किट से ही ले लिया और इसको मैं लगाऊँगी फ्रंट पे। और फ्रंट पे अच्छी तरीके से मैं इसको लगाऊँगी। देखना है आप लोगों ने कि इसको अच्छी तरीके से कवर करना है अपनी आँखों को इस चीज़ से, ताकि ये लुक सही लगे ना, बहुत ज़्यादा कम भी ना लगे, बहुत ज़्यादा भी, मतलब ऐसे लगे कि बराबर लगे। तो ये सब हो गया गाइज। अब इसके बाद मैं हाइलाइटर लूँगी और अपनी ब्रो बोन पे लगाऊँगी, ताकि फिर वो एक ब्रो बोन पे वाइट कलर लगाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि फिर वो आईज़ एक जैसी ना लगे। तो ये अच्छी तरीके से अपनी ब्रो बोन पे लगाने के बाद मैं लूँगी लाइनर। मेरा एक पहले वाला लाइनर टूट गया था, अब इस लाइनर से मैं ये जो है ना अपनी वाटर लाइन पे, सिर्फ और सिर्फ वाटर लाइन पे लगाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से वाटर लाइन को क्रिएट करूंगी मैं अपने लाइनर से। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैं वाटर लाइनर पे ये लगा रही हूँ। ये मेरी वाटर लाइन पे लगने के बाद मैं अपनी आँखों को इनर कॉर्नर भी बनाने की कोशिश करूँगी इससे। अभी आप देखना मैं इस तरीके से ना इनर कॉर्नर भी बनाऊंगी आँखों के। ये सब कुछ मैंने पंखा ऑन रखकर किया था, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, वरना मैंने उसी वक्त बात करनी थी, लेकिन यार इतनी गर्मी थी कि मैं पंखा बंद ही नहीं, मैंने सोचा मैंने कहा वॉइस ओवर कर लूँगी। अच्छा अब नीचे मैं थोड़ा सा ब्राउन और ब्लैक शेड को अपनी आँखों के नीचे इस तरीके से लगा लूँगी, वाटर लाइन के बिल्कुल नीचे, स्मोकी इफ़ेक्ट देने के लिए। यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरीके से। मुझे पता है इसके बाद मेरी आँखों में वो होगा, क्या कहते हैं, इरिटेशन, मगर फिर भी मैं बर्दाश्त करूँगी आप लोगों के लिए। फिर हल्का सा मैं इसको विंग दे दूँगी आईज़ को, हल्का सा मैं इसको विंग दे दूँगी गाइस। ये आँखें हो गई हैं तैयार, अच्छी भी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैं ब्लश लगाऊंगी गाइज़ अपने फेस पर, और पहली दफ़ा मैं ब्लश फ्रंट पे लगाऊंगी। हमेशा मैं ऊपर ब्लश लगाती हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने एप्पल्स फेस पे लगाऊंगी, एप्पल्स फेस के पे, बिकॉज़ जो मुझे लगता है कि पख्तून लड़कियाँ होती हैं उनके गाल बहुत ज़्यादा पिंक होते हैं, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ही पिंक करूँगी आज अपने गालों को, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके गाल नेचुरली बहुत पिंक होते हैं, या पता नहीं मेकअप करते, आई डोंट नो। बस मैं उसके बाद हाइलाइटर लगाऊंगी अपने फेस पे, तो अच्छी तरीके से हाइलाइटर लगाऊंगी, बिकॉज़ ये भी मुझे लगता है कि उनका फेस पे नेचुरल ग्लो होती है, तो मैं भी हाइलाइटर ज़रूर लगाऊंगी, मुझे अच्छा लग रहा है इस फेस पे, ये लुक वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है।
तो गाइज़ उसके बाद अब मैं कॉन्टोर करूँगी। सबसे पहले मैं ये वाला क्रीम कॉन्टोर लूँगी और क्रीम कॉन्टोर को अपने फेस पे पहले मैं अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ मुझे नीड होगी मैं लगाऊँगी, क्योंकि आपकी बहन को कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है। तो गाइज़ अच्छी तरीके से कॉन्टोर करूँगी और इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ब्लेंडिंग को हमेशा ऊपर की तरफ रख के करना है गाइज, और डैब डैब के मोशन में ही करना है, रगड़ना नहीं है फेस पे, किसी भी कीमत पे रगड़ना नहीं है। तो इस तरीके से आपने आराम आराम से आराम आराम से ब्लेंडिंग दे देनी है फेस पे, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए आपने करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और ये हो ही जाएगा गाइस। आप लोगों ने हौसला रखना है। वैसे मैं इस जो इसकी स्पीड बढ़ा सकती हूँ इस क्लिप की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो यार देख ही लो, कोई बात नहीं, क्योंकि सब कुछ ही आगे बढ़ा दूँगी तो फिर आप लोग देख के समझोगे कैसे। अच्छा, अब मैं इसको माथे पे भी हल्का सा मैंने कर लिया, इसको क्लीन अप, मेरा मतलब है ब्लेंड। उसके बाद पाउडर कॉन्टोर भी करूँगी मैं, फिर आएगा मज़ा। जी हाँ गाइस, पाउडर कॉन्टोर के बाद असली मज़ा आएगा, क्योंकि जब क्रीम कॉन्टोर लगाया फिर पाउडर कॉन्टोर लगाया तो फिर कॉन्टोर होगा ज़बरदस्त। उसके बाद मैं ये वाइट लाइनर एज़ यूजुअल अपनी आईज़ को एक ओपन इफ़ेक्ट देने के लिए लगाऊंगी तो लाजमी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है वाइट लाइनर, और मुझे इस तरीके से अपनी आँखों के इनर कॉर्नर्स पर बहुत ही प्यारा लगता है। और उसके बाद गाइस लिप लाइन करूँगी, उसके बाद मैं ये ऑरेंज शेड की लिपस्टिक लगाऊँगी सबसे पहले, तो क्योंकि मुझे एक ऐसा कलर लिप्स पे चाहिए था जो कि शायद वैसे नहीं है किसी लिपस्टिक का, तो मैंने क्रिएट किया। उसके बाद लाल लिपस्टिक लगाऊँगी, तो ऑरेंज और लाल को मिक्स करके मैंने ये लिप्स का शेड बना लिया है, और अच्छी तरीके से इसको भी ब्लेंड कर दूँगी। मेरा क्यूपिड बो ही छुप गया था, उसके बाद मैंने क्यूपिड बो को दोबारा इन्हेंस किया। उसके बाद फिर मैं ये लूँगी बनाना पाउडर, और बनाना पाउडर से थोड़ा सा आँखों के नीचे मेकअप को सेट करूँगी। पूरे फेस पे भी हल्का सा बनाना पाउडर लगा लिया था मैंने, मेकअप को ओवर ना लगे इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह स्टे तो करता नहीं है, वैसे भी फेस पे निकल ही जाता है, तो मैंने इस तरीके से अपना मेकअप को सेट कर लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ड्राइंग की थी अपने फेस पे, जो कि मुझे लगता है अफ़गानी लड़कियां बड़ी खूबसूरत लगती हैं इस तरीके के जो नुक्ते वो अपने चेहरे पे लगाती हैं, पता नहीं इसको कहते क्या है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अब पहनूंगी ज्वेलरी, तो ज्वेलरी के लिए मैं अपनी चीज़ें देख रही थी, ये हार था लेकिन मुझे ये बहुत बड़ा लग रहा था, फिर मैंने कहा यार छोड़ो इतना बड़ा भी नहीं कि गर्दन ही टूट जाए। तो उसके बाद फिर मुझे ये मिला, ये मुझे ज़रा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और ज़रा न्यू टाइप का लग रहा था और ख़ूबसूरत था, चमक भी रहा था, तो मैंने ये गले में पहन लिया। उसके बाद मैंने सोचा मैं कानों के लिए भी कुछ देखती हूँ, तो मैं देखने लगी कि मेरे पास क्या क्या है। अच्छा, सिल्वर ज्वेलरी का किसको शौक है, मुझे बड़ा शौक है, ये भी मैं देख रही थी, ये भी गले का था मगर ये मैंने नहीं पहना। लेकिन इसी बहाने आप देख लो कि मेरे पास क्या क्या ज्वेलरी है। उसके बाद मैंने हाथ के पहन लिए थे, कान के मुझे अभी तक नहीं मिले थे, हाथ के ज़रूर मिल गए थे तो मैंने ये पहन लिए थे। उसके बाद मुझे कान के फाइनली मिल गए थे जो कि बहुत भारी थे, मगर मैंने कहा यार अगर तो लुक क्रिएट करना है ना तो वो इनसे ही होगा, क्योंकि ये कानों में बड़े ही ज़बरदस्त लगेंगे अगर तो मैं इनको पहन सकी। इनको पहनना वैसे आसान नहीं था दोस्तों, इनको पहनने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी मुझे, लिटरली मुझे मतलब कि बार 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 कोशिश की करनी पड़ी, बहुत मुश्किल था, पता नहीं ये लोग इतना मुश्किल क्यों बनाते हैं। पहन लिया मैंने फाइनली जैसे तैसे करके, जितनी मुश्किल हुई मैंने आपको नहीं दिखाई। उसके बाद हेड गियर का सोच रही थी कि हेड गियर तो मेरे पास है नहीं, तो फिर मैंने सोचा एक हार को ही हेड गियर बना देते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ड्रेस भी कर लेते हैं, तो गाइज बस अब मैं तैयार हूँ। ये था फाइनल लुक गाइज,
लेकिन मुझे अभी भी सर पे रखना नहीं आ रहा था और कहाँ पे क्लिप लगती है सर पे वो भी नहीं समझ में आ रहा था। ये मैंने रिंग भी पहनी थी जो कि आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, और ये मैंने ले लिया था अच्छा सा बैग जो कि बिल्कुल मैचिंग हो रहा था, चेज़अप से मैंने ख़रीदा था ये बैग और ये बिल्कुल इस आउटफिट के साथ मैच हो रहा था। आउटफिट बड़ा ही खूबसूरत था और मुझे अच्छा ही लग रहा था कि मैंने लाल कलर में, उसके बाद मैंने सोचा एक्सटेंशन भी लगा लेती हूँ क्योंकि वो बाल तो अब मेरे बन चुके हैं, तो मैंने नीचे एक्सटेंशन भी लगा ली ताकि लुक को और अच्छा कर सकूं, क्योंकि टिकटॉक वगैरह भी तो बनानी थी ना, इंस्टा रील्स भी बनानी थी, तो समझा करो गाइस कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अच्छा, उसके बाद अच्छे से मैंने ये अपनी लटों को सुलझाया जो कि एक्चुअली एक्सटेंशंस की लटें थी जो कि बहुत फंस जाती हैं पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा यही होता है मेरे साथ। उसके बाद मैंने फिर ये खूसे निकाले जो मेरे कुंदन के खूसे थे जो मैंने ईद पे भी पहने थे और इसके साथ भी जा रहे थे, तो मैंने इसके साथ भी पहन लिए थे क्योंकि मेरे पास कुछ कलरफुल नहीं था एज सच, मतलब पैर के लिए, और मुझे लग रहा था कि ये खूसे बहुत अच्छे लग रहे थे इनके साथ, इस लुक के साथ, तो फिर मैंने इसके साथ ये खूसे पहन लिए थे। उसके बाद मैंने देखा कि यार मैंने अपने ये फ्रॉक का फीता तो लगाया नहीं, वो लगाया, और उसके बाद मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दुपट्टा मैं कहाँ पे रखूँ। उफ़ गाइस, इतनी गर्मी में ये ड्रेस, लेकिन क्या करें, अफ़गानी लुक करना था, पख्तून लुक करना था, तो ये सब तो करना था ही ना। तो गाइस, उसके बाद ये थोड़ी सी चूड़ियाँ हैं जो कलरफुल थी, मैंने सोचा ये भी पहन ही लूँ, मतलब कि एक ही बार बंदा सब कुछ ही कर ले कोई हसरत ना रह जाए, क्योंकि ये लुक बार बार नहीं कर सकते। आपको भी ये लुक अच्छा लगा हो तो मैंने सारी डिटेल्स मेरी इस वीडियो में थी, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली फ्यूचर वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू कायनात की दुनिया। सो टेक केयर, खुदा हाफिज। लड़ शक ना 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 ना, मुझे नहीं आता।